ये मैसेज है कि राहुल गांधी जी जिस बात को लेकर पूरा देश में चुनाव में लोकसभा में गए कि संविधान खतरे में है, बोलने की आजादी पर प्रतिबंध है, आम जनता की समस्या उठाओगे तो पहले सोशल मीडिया में अरबों खरबों रुपए खर्च करके उन पे हमले किए जाते थे, अब डायरेक्ट उनके मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता अनर्गल उनके खिलाफ बयान बोल रहे हैं। जब हम थानों में इस बात की शिकायत करते हैं तो ये जो थाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले पर कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ FIR कराने थाने पहुंचे, हालांकि अभी तक कोई FIR नहीं लिखी गई है। इसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये मध्य प्रदेश पुलिस का रवैया साफ तौर पर दिखाता है कि ये पुलिस थाना नहीं बल्कि भाजपा का कार्यालय है और यहाँ के TI भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। पिछले कुछ दिनों में कई नेताओं ने राहुल पर टिप्पणी की, इसमें भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने 11 सितंबर को एक बयान में कहा था कि राहुल का हाल उसकी दादी जैसा होगा। इस नेता का कहना था कि उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ था वही कांग्रेस पार्टी के ने कथित तौर पर धमकी भरा बयान देने वाले के एक नेता का वीडियो जारी कर लिखा कि बीजेपी का नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष की हत्या की धमकी दे रहा है। वहीं इसके बाद फिर 15 सितंबर को केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने भी राहुल गांधी को देश का नंबर एक आतंकी बताया। इतना ही नहीं, इसके अगले ही दिन शिंदे गुट वाली शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि जो राहुल की जीभ काटेगा उसे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश में भी केस दर्ज करने के लिए जीतू पटवारी कह रहे हैं कि पुलिस राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का बयान देने के बाद शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर नाराजगी जताई थी। साथ ही क्या कुछ जीतू पटवारी आगे कहते हुए नजर आए, आप देखिए जरा। ये गलत कर दी महाराष्ट्र में, या आप जो करना चाहते हो वो गलत कर रहे हो, या फिर आप जांच करो, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, पर जांच नहीं करेंगे, हम FIR नहीं कराएंगे, ये हमारा भी संवैधानिक अधिकार है कि हम FIR कराएंगे। पढ़ना है हमने, अपनी बात कह दी, ये FIR करें तो ठीक, नहीं तो यहीं पे अभी जब तक बैठेंगे रात भर जब तक ये FIR नहीं करेंगे। अब इसमें बहस इधर उधर झिक झिक बात नहीं करनी, विधायक जी को नहीं, ये न्याय आचार संहिता अलग हो गई, ये मतलब ये कानून ही अलग हो गया क्या? नहीं सर, आप कानून अलग हो गया, आप अपना आवेदन दे सकते हैं, आपको अधिकार है, लेकिन उसी 177 में जो FIR की बात है उसी में बात कर रहे हैं। 151 में बोल रहे हैं, कंटेंट अलग अलग, क्या कंटेंट अलग है अलग थलग बात देश के संसदीय संविधान में देश की या प्रदेश की सरकार के कोई मंत्री ने कोई वक्तव्य दिया, यानी मंत्रिमंडल का सामूहिक दायित्व होता है। रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी जी के खिलाफ बयान दिए, यानी नरेंद्र मोदी जी की शह पे दी, मोदी जी के कहने पे। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक विधायक ने और यूपी के एक मंत्री ने भी बयानबाजी की, मतलब बीजेपी के पार्टी का एजेंडा है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि राहुल गांधी जी जिस बात को लेकर पूरे देश में चुनाव में लोकसभा में गए कि संविधान खतरे में है, बोलने की आजादी पर प्रतिबंध है, आम जनता की समस्या उठाओगे
तो पहले सोशल मीडिया में अरबों खरबों रुपए खर्च करके उन पे हमले किए जाते थे, अब डायरेक्ट उनके मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता अनर्गल उनके खिलाफ बयान बोल रहे हैं। जब हम थानों में इस बात की शिकायत करते हैं तो ये जो थाना है इसका व्यवहार के साथ, जैसे बीजेपी का मंडल अध्यक्ष का कार्यालय हो और टीआई का वक्तव्य के साथ ये ने बीजेपी का मंडल अध्यक्ष टीआई बन के बैठा हो, इस तरह का व्यवहार क्या कहता है? ये संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? हम पिछले 2 घंटे से सीधे एविडेंस है, वीडियो है, उस पर एफआईआर कराना चाहते हैं, पर ऊपर से आदेश है सरकार का, इसलिए एफआईआर नहीं होगी। मतलब मैसेज ये है जो राहुल गांधी कहते हैं संविधान खतरे में है, बोलने की आजादी पे प्रतिबंध है, पुलिस विभाग सर्विस रूल के अधिकारी पालन नहीं करेंगे और एफआईआर नहीं लिखेंगे, ये मैसेज है कि संविधान खतरे में है। कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति के की लड़ाई लड़ने आई है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिन्होंने प्रेम प्यार मोहब्बत और भाईचारे के लिए देश की कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा की, 200 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस व्यक्ति के पिता ने, राहुल गांधी जी के पिता ने शहादत दे दी इस देश के लिए, शहीद हो गए भारत रत्न, उनकी दादी ने एकता और अखंडता देश की बनी रहे इसके लिए सीने को छन्नी करवा लिया, उस व्यक्ति को इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना मतलब देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान करना है। नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रियों से जिस तरीके की भाषा बुलवा रहे हैं, ये एहसास कराता है कि उनको संविधान में भरोसा ही नहीं है। कोई विरोध में उनके बात करे, सवाल खड़े करे, तो वो सहन ही नहीं कर सकते। ये मैसेज है कांग्रेस पार्टी का, एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के लिए, के विचार के लिए, उनके सहयोग के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए अपना एक खून का एक एक कतरा बहाना पड़े तो बहाना पड़ेगा। आज कम से कम 1000 जगह 1000 थानों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिए हैं कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए, पर सब जगह सीधे निर्देश है गृह मंत्री जी के कि एफआईआर मत करना, ये संविधान खतरे में है, इसका एहसास कराता है। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के बाद बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू पर कांग्रेस के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर फंसती हुई नजर आ रही है, और साथ ही अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आज पहले चरण की वोटिंग जारी है। हो सकता है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर तमाम राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आए। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।